अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। वेलकम, खुश आमदीद जी आयनू मेरे चैनल पर। आज के नए व्लॉग में पूरे 3 दिन बाद भाई साहब एक व्लॉग आ गया। असल में वो आप सब जानते हैं यार कि 9-10 मुहर्रम था दरमियान में, तो वो 9-10 मुहर्रम की छुट्टी थी। मुझे यार एज ए मुसलमान मुझे ना मुनासब नहीं लगा उन दिनों ना व्लॉग बनाना, तो सो मैंने नहीं बनाई। लेकिन फिर भी मैंने कोई वीडियो मिस नहीं की है, आप देख सकते हैं वीडियो तड़ातर मेरी आती रही हैं। 2 मनकबतें पड़ी हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो एक वीडियो मैंने आपको व्लॉग वाली विजिट वाली दिखाई है, उसके दौरान एक वीडियो मैंने वो आपको शो वाली भी भेज दी है। अब जो है ना जी व्लॉग जो है मैंने सोचा दोबारा शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करने के बाद खाना खाने के बाद जी जाना है हमने अपनी जो गाड़ी है ना BRV, उसको थोड़ा सा ना आज गंदी बड़ी हो गई है, वाश वुश करवाने जाना है। तो चले फिर पहले तो सबसे पहले करते हैं ब्रश। ओ गड्डी शड्डी हमने जी बाहर निकालने को ले आया, तो चलिए फिर अभी चलते हैं इसको वाश कराने के लिए। तो वाश करा, आप देख सकते हैं गंदी तो बड़ी हो गई है, अंदर से भी इसका बड़ा बुरा हाल है, बाहर से भी पूरी गंदी है। उधर जाके आपको फिर ठीक तरीके से दिखाता हूँ। तो फिलहाल तो ना जी अभी तो चलते हैं फिर वाश करवा के फिर आपसे मिलते हैं। तो रस्ते में फिर तो नहीं मिलना, उधर ही जाके सर्विस स्टेशन पर मिलते हैं, साथ ही है सर्विस स्टेशन, आपने घबराना नहीं है। तो चलिए फिर पहले वाश कराते हैं गाड़ी। हेलो जी, आ गया है वाशरूम। तो फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं सर्विस स्टेशन पर। तो यहाँ पर तो आके जी पता चला पहले से उन्होंने ट्रैक्टर एक टांगा हुआ है, बड़ा ही गंदा ट्रैक्टर है। तो चलिए फिर चलते हैं, पूछते हैं उनसे कब हमारी बारी आनी है। वीरो वाश करानी ही हूं, नहीं टाइम खिलारा ना। चलो मैं ले आया जी। लो जी बारी हमारी जो है ना जी आ गई है गाड़ी वाश कराने की। उन्होंने कहा कि आ जाओ, वो उत्ते खिलाई आ रहे हैं, वो गाड़ी वाश करेंगे। ये हमारे यहाँ का सबसे मशहूर सर्विस स्टेशन है। तो अभी उतरते हैं, नीचे उतरते हैं, तो हमारी जो है बारी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ी की हालत पूरी कंडीशन दी हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा गंद मचा हुआ है गाड़ी की तरफ। तो BRV का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है। बाकी चले खैर, हम फिर तब तक उधर बैठते हैं, तब तक वो गाड़ी वाश नहीं हो जाती। इतनी ज़्यादा हमारी गड्डी से गंद शंद निकल कर रहा है, भाई तो बड़े गुस्से हो गए थे, वो पीछे भी भाई बैठे हुए हैं। असल में ये जो है ना जी बहु चक्का जी वाशरूम है। बहुत क्या बोला तूने? बहु चक्का जी वाशरूम है, बहु चक्के लोग हैं ये। यहाँ से हमारे साथ ही एक गाँव है, उधर के लोग हैं। तो चलिए फिर गड्डी शड्डी जो है ना जी वाश वूश कराते हैं, वाश वूश करा के फिर बाद को बाद में आपसे मिलते हैं यार। लो जी फाइनली हमारे धुप धुप गई है, वाश हो गई है, एक लेकिन इतनी ज़्यादा अंधेरी आ गई है ना जी, मुझे लगता है कि वाश वूश कराने का कोई फ़ायदा नहीं होना, गड्डी जो है ना जी फिर से गंदी हमारी कार हो जानी है। देख सकते हैं आप कितना बादल शादल छाए हुए हैं, चंगी अंधेरी जो है ना जी आ गई है। चले देखते हैं अब क्या होता है, फिर ले जाते हैं ऐसे ही इसे, अगर गंदी हो गई तो घर जाके कपड़ा छपड़ा मार लेंगे। चलिए जी फिर चलते हैं वापस अब घर को। गड्डी शड्डी तो धुआ धू ली है, अब देखते हैं जाते वक्त क्या हालत होती है, गड्डी हमारी ठीक बचती है कि कोई नहीं, कहीं जाके फिर ना खुद धोनी पड़ जाए जी। तो बदल शदल बन गया, माहौल शोल काफ़ी ठंडा ठंडा हो गया, तो मेरी सलाह चूचा शूचा ले लेते हैं, तो पून छून के वो खाएंगे। तो अभी इधर से चूचा लेते हैं मुर्गा शुर्गा। तो चलिए नीचे चलते हैं, मुर्गी शुर चूचे का काचा माचा हो रहा है वो देख सकते हैं आप जी। चाचू पूरे जोश के साथ हमारे गोश्त गोश्त बना रहे हैं। गोश्त का रेट इतना ज़्यादा कम हो गया, कोई ना कोई नहीं है ना रेट का नहीं है केड़ा ही केड़ा नहीं है, YouTube पे जाएगी वीडियो आप ब्लॉग बन रहा है ये आप। हाँ हाँ भाई आप सोशल मशहूर हो जाएंगे आपको, वो एक दिन आपके वो उससे भी चढ़ाया था वो दर्जी नहीं है आपका वो फूल जो दर्जी ने बोला चढ़ाया, वो बड़ा खुश है, वो कह रहे हैं मेरी एक और वीडियो बनाए। गोश्त गोश्त हमारा जो है बन बुन गया, अभी उठाते हैं बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं घर। भाई चलो भाई चलो भाई, ओहो गड्डी तो अनलॉक की, कोई नहीं हमने ये करते हैं ये जी।
देखिए जी रस्ते में हमें हमारा फैन मिल गया। सुनाओ भाई क्या हाल है? ठीक हूँ भाई, आपका क्या हाल है? करो मेला लगानी है रेस, रेस लगानी है रेस। चलो भाई चलो, चल फिर आ जा फिर। चलो भाई नहीं तुझसे नहीं लड़ा जाना, चल मैं साइकिल लेके आऊंगा फिर तुझसे लगाऊंगा। ठीक है फिर, बाय बाय। ओ फाइनली मैंने गड्डी शड्डी जो है लाया हूँ, कार पार्कुर करपुर दी है, अच्छी चंगी पली पारी पूरे लत लुत गई। आप देख सकते हैं हमारी गड्डी भी थोड़ी थोड़ी पीक भूक गई थी, लेकिन कपड़ा थोड़ा मार गया ठीक कार ही लिया। तो अभी तो मेरे मोबाइल की बैटरी शैटरी खत्म हो गई है, तो मैं मोबाइल को लगाता हूँ चार्जर, तो फिर चार्जर लगा के बाद में आपसे मिलता हूँ बैटरी। हाँ तो गाइज हमारी जो है ना जी लाइट लूट चली चुली गई है, हमारे मोबाइल की बैटरी भी कोई नहीं छोनी हुई, हमारा मोबाइल अब बंद शंद हो गया है। तो अभी हम जो है ना देखे छे के पका रहे हैं, ये देख सकते हैं हमारे तीक भाई हमारे देखे छे के पका रहे हैं। तो अभी हम ना जी असल के मुहरमों की देखे छे के हम पका पकू रहे हैं, मुहरमा दे देगा पक दिया ना भैया, तो उसी वही देखने जा रहे हैं हम। चल ये देखें, ये हमारे जहाँ तावला हैं, बड़े ही प्यारे चाचे तावला है, इन्होंने इलेक्शनों पर ही खिलौना है जी। तो ये हमारी देखे छे के पक पक रही हैं मूसा, ये है ना ये चावल है, एक मीठे चोलों की चावलों की और एक लूनों की। ये देखो जी ये लकड़े शकड़े हमने रखी रुकी हुई है। मूसा क्या हुआ, ये चावल खाने हैं तुमने? चावल खाने हैं मूसा? क्या खाओगे, क्या खाना है, चावल खाने हैं कि क्या खाना है? चावल खाने हैं, चावल खाने हैं। ये बड़े जो ये बने हैं, ये अभी पके पुके को नहीं ना पकते हैं तो अभी खाते हैं, जो तावला पता नहीं कितना चला गया। ये डोगी का क्या हुआ, डोगी ने भी चावल खाने हैं? पूछो भूख लगी है मूसा, मूसा इसको पूछो भूख लगी है तुम्हें, बोलो चावल खाने हैं, इसको बोलो चावल खाने हैं, इसको बोलो बोलो इसको चावल खाने हैं। भाई आपने चावल खाने हैं? उसने पता नहीं खाने हैं कि नहीं, बाकी जब तावला आता है तो उससे पूछते हैं कि कितना टाइम लगना है, क्योंकि मूसा को लग गई है बड़ी भूख, भूख लगी है ना बुढ़ी, तो फिर उनसे पूछते हैं कितना टाइम रहता है, फिर मूसा को चावल भी हमने खिलाने खिलौने हैं। तो गौर से देखिए शख्स को असल में मारे बैल के जो है ना जी लाइट लूट बैटरी बूटरी खत्म हो गई थी, लाइट को नहीं आई, तो मैं इस मोटे के मोबाइल पर ब्लॉग श्लाग बना रहा हूँ, तो मुझसे मोबाइल छीनने आया। ये देख सकते हैं, ये अभी स्कूल गया हुआ था, आ गया चावल मंजी, चाहे तावला नींद आ गई है, सोने लगे हैं जी, सोने लगे हैं, चावल बनाएंगे अभी सोना है आपने? हाँ तो चाहे तावला को आ गई है नींद, तो चाहे तावला सोने लगे हैं, बबेशकर को नुहाना है इतने मंजी नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, हमारे दादा वो तो फोटो गए कब से, पर उसका खत्म थे आज ही है, आज खत्म है। तो चलो जी खत्म खत्म, दादे का तो नहीं है, मरम्मत भी काम खत्म दुआ में। तो आप देख सकते हैं इस माच को, ये चावलों की खुशबू सूंघते सूंघते आया है असल में। चावला कितना टाइम लगेगा ये वो देखे, मांगने वाले पीछे चावल आ भी गए हैं, तो आम जो है धड़ाधड़ आ रही है, तो इतनी मतलब एक घंटे तक, इससे जल्दी नहीं हो सकता, इससे जल्दी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चले जी फिर एक घंटे के बाद आपको मिलते हैं, जब तावला दम शाम दे लेते हैं भाई, आप जाओ एक घंटे के बाद आना अभी छापर को, छापर में भी नहीं हमने डाल के देना, प्लेट लेके आना, वो भाई प्लेटों में ठीक होता है, छापर फट जाते हैं खत्म वाले जो गुनाह था ना, हाँ तो एक घंटे के बाद आपको मिलते हैं फिर। जी तुम्हारे मूसा भाई को लग चुकी है भूख, हम मैं और मूसा लेने जा रहे हैं छल्ली, ये देख सकते हैं ये है छल्ली वाला मुंडा, ये देखिए छल्ली मांगने आया ये। अलैकुम भाई क्या हाल है वीरो, दो छलियाँ तो दे आ जाए बिल्कुल ताज़िया ताज़िया मोटियाँ मोटियाँ हैं बंदे वर्गियाँ, इस बंदे की तरह की मोटी मोटी छलियाँ चाहिए हमें। हाँ जी मुंह दे सुना, कौन है वो? पता नहीं कौन है, तू पीछे देखो पीछे ये देख सकते हैं जी आप, मोटी मोटी छलियाँ निकाली जा रही हैं इधर से, दो छलियाँ भी हम फटाफट ले लेते हैं कि नहीं मूसा? नहीं भाई क्या लेने आयो, तीन छलियां लेने आयो, ले लोगे तीन? क्या बात है भाई, आप कितने लेने आयो? दो। आप तो ऐसे जैसे पुरानी फिल्मों के नए हीरो लग रहे हैं, सलमान खान बन के आए हो बल्ले। ये जी हमने पकड़ पकड़ लिया छल्ली छल्ली, तो अभी मैं मूसा जा रहा हूँ। दो तो किधर आ रहे हो तुम पीछे किधर आ रहे? हाँ तो भाई लोग हमारे चोलों को बाला छाला आ गया है, अभी चाहे तालो इन्हें पोना छोना लगाए जो है ठीक ने जराज लू ली है, कितने टाइम में पकाओगे तुम देगा ये यार ठीक को नहीं पता, तब तक हम खेल के आते हैं, अभी मेरे ख्याल से अभी और आधा घंटा लग लोगे जाना है ऊपर शुबल तो है जी। तो हमारे जो है ना चावल पकने में भी देर थी, जब तावला ने बोला है तो हमने पता क्या सीन किया, हमने सोचा कि चट को ना गेंद वाला खेल खोल लेते हैं, आउट नहीं हुआ है बच, हाँ तो हमने सोचा
थोड़ी देर ना गेंद बैट खेलते हैं, तो उसके बाद जब चावल पक जाएंगे फिर जाएंगे। वो देखें अनुफाल पूरे जोशो के साथ लगा हुआ, आउट LBW आउट था। तो चलिए फिर क्रिकेट श्रिकेट हम थोड़ा थोड़ा खेल खुल लेते हैं, तो उसके बाद फिर क्रिकेट खेल के आपको चावल भी दिखाएंगे जब पक जाते हैं। जब पक जाएंगे तो फिर बच्चों को बांट रहे हैं, बूटने हैं, सारा सीन आपको दिखाते हैं। वेट अ मिनट, ओए मेरी बात सुन, इसने ऐसे नहीं आउट होना, मेरी बात सुन, घंटा हो गया ये पताए जा रहा है, इधर आ मेरी बात सुन। जोर के साथ ना इसकी टांगों के अंदर गेंद मार, टांगों के जो रास्ता है ना, चल 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 ध्यान के साथ जहाँ पर मैंने बोला है, ठीक है ना जी। ओ बेवकूफ, ऐसे बोल कराते हैं, डाक गया जो जहाँ पे बोला है वहां पर कराओ ना। वो देखो बड़े अनपैर भी आ गए फैसला करके, यार ये कहां से आया है इतना खतरनाक प्लेयर, आउट नहीं हो। तो अभी हमारे प्लेयर ने लगा दिया लंबी सारा छाड़, तो गेंद जो है बाउंड्री के बाहर आके समंदर के किनारे पर गिर गई है। ये देखिए अभी मैं पकड़ने जा रहा हूँ, यहाँ पर लोगों ने हागा के अपने बच्चों के पैंपर सूटे हुए हैं। ओए मैं डूबने लगा था, तो मैच भाई बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, तमाशबीन बढ़ते जा रहे हैं, आवाम आती जा रही है मैच देखने के लिए, वो देख सकते हैं आप। तो हम जो है ना जी अब मैच खेल खुल लेते हैं, आपको क्या दिखाना है, कड़ी मुड़ी मैच ही दिखाएंगे, वहाँ बड़ी आ रही है, तो उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। मूसा किधर आ गया तू, इधर आ। तो जी फाइनली हमारी मिठे लूने चोलों की देखे पक पुक गई हैं, तो अभी ये देखे चेतावला चम्मच मारने लगे हैं, बाबे का खत्म है इन जगहों के साथ चेतावला। हाँ चलो फिर पढ़ लो खत्म, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अभी मीठे लोने चोलों पक गए, अभी हम इन्हें बच्चों में तकसीम करेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए रहिएगा अल्फी लगा के, तो आपको दिखाएंगे कैसे कैसे बच्चों को तकसीम करते हैं। तो आप देख सकते हैं देखे शेखे हम घर लेके जा रहे हैं हवेली में, देखे मंगाई थी ना, तो अभी हम इसको बांटेंगे बच्चों को, देख सकते हैं बच्चे भी पीछे आ रहे हैं चावल लेने के लिए। क्या लेना है आपने, चावल लेने आयो देख सकते हैं बच्चे बड़ो जोरो क्रोश के साथ आ रहे हैं। बेटा चावल लेने आपने दूने के मीठे दूने भी नाल ना लूने मिठे भी तो लूने आई देखे हमारी दाड़ी हो गया। आप देख सकते हैं निके निके बच्चे जो है ना बड़े बड़े ट्रे लेके आ रहे हैं, इधर आओ इधर चावल बांट रहे, इधर आ जाओ, ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े ट्रे लेके आ रहे हैं चावल लेने के लिए, इतने सारा चावल लेने हैं अपने, ये बच्चा आया है चावल लेने के लिए। हेलो बोलो पुष्पा दाद में आ रहे हैं चावल लेने के लिए, ये देखते हैं आप बच्चे जी चावल लेने आए हैं, ये देख सकते हो मांगने वाले हो चावल खाओ निहाल है, ये ऐसे करो चावल लिए मिले ना, ऐसे करो शापत दिखाओ ये देख सकते हैं जी आप। तो जी फाइनली चावल हम बांट बूंट के वेले छले हो गए हैं, जितने को आपको दिखा सकते थे दिखाइए वीडियो। तो अभी जो है ना जी बचा के हमने थोड़े से अपने लिए भी चावल रख लिए थे, मोटू ने भी अपने लिए बचाए हैं, तो अभी जो ना जी मैं ये खाता हूँ और ख़त्म करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको करता हूँ बाय बाय, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और काफ़ी देर से मैं आपको काफ़ी कुछ दिखा दिया है, काफ़ी देर से ब्लॉग बना रहा, तो मेरा मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल एकदम ख़त्म है, तो मैं मोबाइल चार्जर मैंने लगाना है, इसलिए आपको करते हैं बाय बाय, मिलेंगे आपको कल नए ब्लॉग में। जो भी आपको दिखाया अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट में आप शेयर कमेंट में आप गालियाँ शालियाँ दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ओके अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।